अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की, और उसमें हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कुछ थोड़ी बहुत सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और उसके एवोल्यूशन के हवाले से, और डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सबसे पहले एनिमल्स के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स आते हैं वो सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि ये हमारा एक अमीबा है। अब अमीबा के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल सिस्टम मौजूद नहीं है, तो क्यों मौजूद नहीं है? ऐसा इसलिए है कि अब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके बाहर जो है वो एक काफ़ी लंबी चौड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंसिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। छोटी सी माइक्रोस्कोपिक उसकी बॉडी है, और उसके मुकाबले में इसके पास एक काफ़ी बड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, और इसका सरफेस एरिया जो है वो इसके वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही ट्रांसपोर्ट का काम करती है। छोटी सी बॉडी है, और जितनी इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, मिसाल के तौर पे इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड़ी आसानी के साथ जो है इसके सेल के अंदर डिफ्यूज कर सकती है। इसके मुकाबले में इसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही बहुत आसानी से बॉडी से बाहर जा सकती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो भी बॉडी से बड़ी आसानी के साथ जो है डिफ्यूजन के जरिए से, सिंपल डिफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से इसको कोई स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी ट्रांसपोर्ट का काम और रेगुलेशन का काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद कर लेती है। उसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके अंदर बॉडी जो है वो आपको पता है कि बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, और इनमें से अक्सरियत सेल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डीप एम्बेडेड होते हैं। मिसाल के तौर पे पेट और इसके इर्द गिर्द के रीजन में जो सेल्स हैं वो काफ़ी डीप टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं होते, तो इनके अंदर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। इनकी बॉडी का वॉल्यूम जो है मल्टी सेलुलर एनिमल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले में सरफेस एरिया जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। रिलेटिवली सरफेस एरिया ठीक है अमीबा के नस्बत ज़्यादा होता है, लेकिन जब वॉल्यूम से कंपेयर करें तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा इनका है उस हिसाब से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता। तो उसकी वजह से, प्लस ये सेल्स जो हैं वो बहुत डीप एम्बेडेड हैं, अंदर धंसे हुए हैं, सेल्स के दरमियान में दबे हुए हैं, तो डायरेक्टली अपनी एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं होते, तो इनके अंदर डिफ्यूजन नहीं हो सकती। जब डिफ्यूजन के जरिए से ये गैसेस वगैरह को एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से इनको कोई ना कोई बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम होना मजबूरी बन जाता है जो इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करे, और इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट का भी काम करे। और ये सिस्टम जो है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहलाता है, या इसको हम जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब हमने बात की है अमीबा की, तो अमीबा के बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, उसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास हाइड्रा है। और हाइड्रा के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा जो है ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इसकी बॉडी जो है वो दो सेल लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ये फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, और इसकी बॉडी के अंदर दो सेल लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कवरिंग है, उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर जो है इसको एंडोडर्म कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में मेसोग्लिया होती है। अब होता क्या है कि ये पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, तो इसकी बॉडी के बाहर जो है इस सारी जगह पर यहाँ पे पानी मौजूद है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और बॉडी के अंदर एक बड़ी सी कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं,
और इसका एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की, और यही एनस का भी काम करती है। तो पानी जो है वो इस माउथ के जरिए से वास्कुलर कैविटी के अंदर भर दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बॉडी के बाहर भी पानी मौजूद है और बॉडी के अंदर भी पानी मौजूद है, और बॉडी जो है वो जस्ट दो सेल लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो एक आउटर सेल्स की लेयर है और एक ये इनर सेल्स की लेयर है। तो आउटर सेल्स के साथ भी डायरेक्टली इन कांटेक्ट वाटर है और इनर सेल्स के साथ भी पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस डायरेक्ट वाटर के साथ जो कांटेक्ट है उसकी वजह से गैसेस और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो रिलेटिवली आसानी के साथ एक्सचेंज की जा सकती हैं पानी के साथ। तो इसके अलावा जो फूड ये खाता है, तो वो फूड जो है वो एंडोडर्म के अंदर, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर भर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे फिश या कोई और छोटा ऑर्गेनिज्म, अमीबा वगैरह या और कोई ऐसी चीज जो है, वो जब ये हाइड्रा या जेलीफिश वगैरह खाते हैं तो वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर रखते हैं, और फिर ये एंडोडर्म के सेल्स जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं फूड को, उसको तोड़ते हैं, और जो फूड प्रोडक्ट्स इसको मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो डिफ्यूजन के जरिए से एक्टोडर्म के सेल्स तक भी पहुंचा दिए जाते हैं। तो पूरी बॉडी में जो है सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा मतलब मल्टी सेलुलर तो है लेकिन बहुत ज्यादा सेल लेयर थिक नहीं है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स वगैरह, वो भी क्योंकि पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है तो पानी में ही डिफ्यूज आउट कर दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है रिलेटिवली थोड़े से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, और वो आ जाते हैं फ्लैट वर्म्स। और फ्लैट वर्म्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ी है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया ने गैस एक्सचेंज और जो है न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज की प्रॉब्लम से बचने का एक और यूनिक हल निकाला है, और वो यूनिक हल क्या निकाला है, वो ये हल निकाला है कि इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। ये फ्लैट वर्म्स, ये जनरली सारे ऑर्गेनिजम्स ही फ्लैट वर्म्स, पूरा ग्रुप फ्लैट वर्म्स कहलाता है। तो प्लेनेरिया जो है इसकी बॉडी जिस तरह बिल्कुल लीफ की तरह फ्लैट होती है, जिस तरह पत्ता फ्लैट होता है तो इसी तरह इसकी बॉडी भी फ्लैट होती है। अब इसका फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो ये होता है कि बॉडी की थिकनेस जो है वो जस्ट फ्यू सेल लेयर्स थिक बॉडी है, चंद सेल की लेयर्स पर मुश्तमिल थिकनेस होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अपर मोस्ट लेयर है इसके साथ भी ये डायरेक्टली पानी के साथ इन कांटेक्ट होती है, और नीचे वाले जो सेल्स हैं ये भी डायरेक्टली पानी के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। तो चीजें जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ डिफ्यूज कर सकती हैं वाटर से। बहुत ज्यादा मोटी बॉडी होगी तो फिर पानी के साथ एक कांटेक्ट जो है वो पानी से दूर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ सेल्स जो सेंटर वाले सेल्स होंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने फ्लैट बॉडी बना ली है। मटेरियल्स का एक्सचेंज जो है वो पानी के साथ डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, और उसका फिर फायदा ये है कि ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर कोई बाकायदा सिलोम मौजूद नहीं है, और उसके अलावा जब सिलोम नहीं है तो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स भी इनके अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी ब्रांच्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके अंदर, जिससे सारा जो है सर्कुलेशन का, डाइजेशन वगैरह का काम होता है, न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। इसके मुकाबले में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो आगे चल के ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट बॉडी प्लान के अंदर फिर हम जाके देखते हैं कि वहां पे कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सबके अंदर मौजूद है। जितने भी लार्ज साइज्ड एनिमल्स होंगे या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वॉल्यूम जो है वो आमतौर पे काफी ज्यादा होता है बॉडी का, लेकिन उसके मुकाबले में सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं होता। और सेल्स जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो बॉडी के अंदर डीप अंदर दबे हुए होते हैं, और बाहर एनवायरनमेंट के साथ या पानी वगैरह के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे फिर क्या है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डिफ्यूजन इतनी आसानी से नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
फिर ये ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, मसलन ब्लड वास्कुलर सिस्टम या जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, वो इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर डेवलप हो चुका है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है मास फ्लो ऑफ मटेरियल्स का, यानी कि सब्सटेंसेस जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो करते रहते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह और गैसेस वगैरह जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसके अंदर कोई ऐसा फ्लूड होता है जो न्यूट्रिएंट्स को लाने ले जाने का काम करता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस के अंदर ये फ्लूड जो है ब्लड कहलाता है। इसके अलावा इस ब्लड की पंपिंग के लिए कोई ऑर्गन होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं, और इसके अलावा ब्लड को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है, पाथवे चाहिए होती है, और ये रास्ता प्रोवाइड करती हैं ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड होता है, हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, और पाथवे है ब्लड वेसल्स का जिसके अंदर ब्लड मूव करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है मटेरियल्स की एक्सचेंज का, ये सप्लाई करता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को सेल्स तक, और सेल से गैर जरूरी चीजें जो हैं वो उठाकर जो है रिमूव करने का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एनिमल्स के अंदर दो तरह का है। कुछ एनिमल्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कुछ एनिमल्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आमतौर पे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन है, मिसाल के तौर पे आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर, या फाइलम मोलस्का के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा लोअर कॉर्डेट्स या जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, जिसका एक ग्रुप है ट्यूनिकेट्स, इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर बंद नहीं होता, बल्कि बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद होता है और ओपन होता है और फ्लो करता रहता है। अब ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल, सारे के अंदर ब्लड मौजूद है, और ये ब्लड जो है ये हार्ट के अंदर जाता है, और हार्ट इसको फर्दर आगे पंप करता है एओर्टा में, और एओर्टा से ये वापस बॉडी कैविटी के अंदर जो है ब्लड पहुंच जाता है। एग्जाम्पल इसकी आपके पास कॉकरोच या ग्रास हॉपर या दूसरे इंसेक्ट्स हैं कि इनके अंदर भी ओपन हार्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड लाइक एक मटेरियल जो है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, ये हीमोलिम्फ बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो करता रहता है और हार्ट के अंदर जाता है, और हार्ट से वापस इसको बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो में रखा जाता है कॉन्स्टेंटली। अब ये ब्लड जो है ये डायरेक्टली बॉडी के सेल्स के साथ इन कांटेक्ट होता है, टिश्यूज को ये वॉश करता रहता है, और इसको हार्ट सिर्फ मूवमेंट का काम करता है। इसके अंदर आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज नहीं होती जिनके अंदर ब्लड मूव करे। इंसेक्ट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इनके अंदर ब्लड लाइक जो मटेरियल है इसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ये हीमोलिम्फ जो है स्पेशलाइज्ड कैविटीज या साइनसिस, खाली स्पेसेस होती हैं बड़ी बड़ी सी जिनके अंदर ये हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है, इनको हम कैविटीज या साइनसिस कहते हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल देखें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच, तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो है वो रिलेटिवली सिंपल और प्रिमिटिव किस्म का कदीम किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, जो गैस एक्सचेंज वगैरह का काम इतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं करता जितना हायर एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। इनके अंदर कोई बाकायदा तौर पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं होता, हीमोग्लोबिन वगैरह या ऐसी कोई चीज़ इनके अंदर मौजूद नहीं है, जस्ट एक कलरलेस लिक्विड है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये हीमोलिम्फ जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह कैरी करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। हीमोलिम्फ जो है वो साइनसिस के अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा होता है, और साइनसिस जो है वो बॉडी के अंदर तीन होती हैं। मिसाल के तौर पे ये कॉकरोच जो है इसको अगर मैं ट्रांसवर्सली यहाँ से काटूं
तो ये बॉडी जो है ये आप देख सकते हैं कि इसका आउटर मोस्ट टर्गाइट है, ये इसकी लोअर बॉडी सरफेस है, और ये बॉडी सरफेस जो है ये दो डायाफ्राम्स के जरिए से ये तीन कंपार्टमेंट्स के अंदर ये बॉडी डिवाइडेड होती है। एक ये डॉर्सल डायाफ्राम है और एक वेंट्रल डायाफ्राम है, और ये बॉडी जो है तीन कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक ये जो ऊपर वाली कैविटी है इसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं, यानी कि पेरिकार्डियल का मतलब, पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डियम कहते हैं हार्ट को, तो ये पेरिकार्डियल यानी कि हार्ट के इर्द गिर्द वाली कैविटी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैविटी के अंदर एक ट्यूब लाइक हार्ट मौजूद है, जो ये यहाँ पे आपको हार्ट नजर आ रहा है, और ये जो नीचे है ये डॉर्सल डायाफ्राम है। फिर इसके अलावा एक वेंट्रल सरफेस पे जो नर्व कॉर्ड होती है, तो नर्व कॉर्ड के ऊपर यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको ये डायाफ्राम नजर आ रहा है, वेंट्रल डायाफ्राम। तो अब वेंट्रल डायाफ्राम के नीचे जो है पेरी न्यूरल साइनस होती है। पेरी का मतलब मैंने आपको बताया अराउंड को कहते हैं, न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम से है, नर्व कॉर्ड से है, तो ये नर्व कॉर्ड के अराउंड जो साइनस है उसके अराउंड, नर्व कॉर्ड के अराउंड जो कैविटी बनी हुई है इसको पेरी न्यूरल कैविटी कहते हैं। इसके अलावा एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्रेकियल सिस्टम के साथ एक कैविटी अटैच्ड है, जिसको हम पेरी विसरल साइनस कहते हैं, यानी कि ये विसरल ऑर्गन्स जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड कैविटी है, इसको पेरी विसरल साइनस कहते हैं। तो अब ये ब्लड जो है ये हार्ट पंप करता है, और ये इन तीनों कैविटीज के अंदर हीमोलिम्फ फ्लो करता रहता है। हार्ट जो है इसका, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि काफी सारे चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और अप टू 13 डिफरेंट चैम्बर्स हो सकते हैं हार्ट के, 13 खाने होते हैं, और हर खाने के अंदर जो है एक पेयर ऑफ ओपनिंग होती है लेटरल साइड पे, जो सुराख छोटे छोटे से आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिनके जरिए से ये ब्लड जो है हार्ट के अंदर एंटर होता है। इन ओपनिंग्स को हम ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया का वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में, और इसका मतलब ओपनिंग होता है। इसके अलावा इस हार्ट को पंपिंग में हेल्प करते हैं स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिनको हम एलरी मसल्स कहते हैं, और इनकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। हार्ट जो है वो डॉर्सल सरफेस पे होता है, यानी कि बैक साइड पे होता है, कमर की तरफ होता है, और बॉडी के बिल्कुल मिड में मौजूद होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मिड डॉर्सल रीजन में मौजूद है, और ये पेरिकार्डियल साइनस के अंदर रखा हुआ होता है। हार्ट ये लंबा सा काफी और ट्यूबुलर हार्ट होता है, एक सिंपल ट्यूब है, और इसके अंदर वाटर सॉरी हीमोलिम्फ जो है वो एंटर होता है ऑस्टिया के जरिए से, और हार्ट की पंपिंग की वजह से ये मूव करता है, और ये डॉर्सल एओर्टा के अंदर हार्ट पहुंचता है, जो एक ही मेजर ब्लड वेसल है, और यहाँ से हार्ट मूव करता है और अल्टीमेटली हेड में पहुंच जाता है। और हेड जो है इसके बाद हार्ट मूव करता है और आता है पेरिविसरल कैविटी में, पेरिविसरल कैविटी से हार्ट मूव करता है पेरिन्यूरल कैविटी में, और पेरिन्यूरल कैविटी और पेरिविसरल कैविटी से फ्लो करता हुआ ब्लड या हीमोलिम्फ अल्टीमेटली पहुंचता है वापस कार्डियल कैविटी में, और पेरिकार्डियल कैविटी से दोबारा हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट से एओर्टा में। तो इस तरह यह जो हीमोलिम्फ है ये कॉन्स्टेंटली फ्लो में रहता है, और सारे बॉडी के जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं सब तक जाता है, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का
वेस्ट मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स की एक्सचेंज का काम करता है। ये हार्ट और हीमोलिम्फ और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये गैसेस की एक्सचेंज का काम नहीं करता, क्योंकि गैसेस की एक्सचेंज के लिए यहाँ पे इंसेक्ट्स के अंदर एक स्पेशलाइज सिस्टम एक और मौजूद है, ट्रेकियल सिस्टम, जो इंडिपेंडेंटली ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से अलग थलग अपना काम खुद से परफॉर्म करता है। तो आज के लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा कि इनका बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही सारा ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करती है। उसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होना उनकी एक मजबूरी है, लेकिन बहरहाल सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मसलन हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट के ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। इसके मुकाबले में कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बॉडीज जिनकी ज़्यादा लार्ज होती हैं और बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं, तो वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होना मजबूरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, जिसमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आज हमने डिटेल में स्टडी किया है, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने कॉकरोच का कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम हमने डिटेल में स्टडी किया आज के लेक्चर में।